कभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमाते हैं, ये आजाद कहते हैं कोरोना 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 कोरोना, ऐसे क्यों कोरोना? मेरे नबी फरमाते हैं कि ऐसा कोरोना से बचने के लिए मेरे नबी ने कई वर्ष पहले एक वजू के मुकाबले में एक तबलीग कर दिया था कि वजू बनाओगे तो इंशाल्लाह आपकी आंख से वायरस खत्म हो जाएगा, नाक के अंदर जो आपकी बलाएं होंगी जो गंदगी होगी उस वजू के जरिए आपकी नाक के वायरस निकल जाएंगे, जो दांतों के अंदर होंगे वजू के कुल्ली के जरिए आपके दांतों के अंदर वायरस निकल जाएगा। जब जब पूरा वजू के जरिए आपका वायरस निकल जा रहा है तो मास्क क्यों लगा के घूम रहे हो, ये मुंह में मुस्कान लगा के क्यों फिर घूम रहे हो, ये दुनिया को क्यों खुराफात कर रहे हो, ये दुनिया के उन मख्तिम दुनिया के बादशाहों को कहता हूँ जो आज कहते हैं कि मुंह में मुस्कान लगाओ, मुंह में ऐसे ऐसे मुंह बंद करो अपने मुंह को, यह इससे नहीं जाएगा बल्कि नमाज पढ़ने से जाएगा, वजू बना बना के नमाज पढ़ो इससे वायरस जाएगा ना कि मुस्कान लगाने से। कहते बार बार हाथ धुलो, यह बार बार हाथ धुलो, यह कैसा कानून है, ये अजीब कानून निकाल दिया इंडिया वालों ने, अजीब इंसान है, अजीब शक्ल के हैं, ये नहीं कहते कि वजू बनाओ, कहते हाथ धुलो, हाथ धुलो, आप कहते हाथ धुलो। अब मैं कहता हूँ मैं एग्जाम्पल तौर पर कि दरवाजा भी छू लो कहा तो उसमें भी वायरस चिपका हो, वो के धुलो साबुन से, वो के बताओ कपड़ा छू लो कहा तो उसको भी छूना पड़े इसलिए उसमें भी वायरस, साबुन से धुलो, ऐसे सारे पूरे साबुन चली जाएंगी दुनिया की, दुनिया की जितनी भी दुकानें वो सबकी धज्जियां उड़ जाएंगी, सब फजूल खर्ची करना शैतानों का काम है। हॉट स्पॉट मांगना चाहते इतनी कोशिश तुमने कुरान पढ़ने में कर ली है, कसम खुदा की तुम हाफिज कुरान कहलाते हुए नजर आओगे, खुदा ने भेजा भेजे में डाल के इस्तेमाल करें आप, कसम खुदा की आज इज्जत गवारा नहीं कर रहा, आज की कौमों कहाँ पहुँच गई है, कौम पहुँच गई, देखिए कौम कहाँ पहुँचती चली जा रही है, अब तुम मोबाइल के पीछे पड़ रहे हो, हमको थोड़ा बयानात नहीं करने दे रहे हो, मोबाइल नहीं।